दोस्तों मैं हूँ सुनील पहल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूँ। 2 तारीख को किडनैपिंग हुई थी दिल्ली से और दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से, और बाकी मैं बातें आगे बताता हूँ। ठीक है। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल के लापता होने से सभी हैरान रह गए। मंगलवार को उनकी पत्नी सरिता ने मुंबई में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और कुछ घंटों बाद बुधवार को उन्होंने खुलासा किया कि कॉमेडियन सुरक्षित घर लौट आए हैं। अब सुनील का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें दिल्ली में किडनैप कर लिया गया था। ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया जिसमें सुनील अपने फैंस से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे 2 दिसंबर को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन अब मैं सुरक्षित घर लौट आया हूं। मैंने पुलिस को अपना बयान दे दिया है। पुलिस का प्रोसेस शुरू होने के बाद मैं और जानकारी शेयर करूंगा। उन्होंने फैंस को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया और उनसे उनके लिए प्रार्थना करते रहने का रिक्वेस्ट किया। अपनी किडनैपिंग के बारे में आगे जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने कहा, किडनैपिंग दिल्ली से हुआ था, दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से। बाकी बातें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। इससे पहले आज सुनील की पत्नी ने ई टाइम्स को बताया, सुनील जी घर वापस आ गए हैं। सुनील जी के आने के बाद पुलिस को किडनैपिंग के बारे में उन्होंने अपना बयान दिया। पुलिस हमारी मदद और सपोर्ट कर रही है, उनके साथ सब कुछ ठीक है। बाकी मामला हम जल्द ही अपने फैंस के सामने खोलेंगे, जब पुलिस हमें पूरे बयान प्रोसेस और FIR के बाद परमिशन देगी। 3 दिसंबर को मुंबई में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हुए सरिता ने कहा था कि उनके पति एक शो के लिए मुंबई से बाहर गए थे और उन्हें मंगलवार को लौटना था, लेकिन वे नहीं लौटे। जब उन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फोन नहीं मिला और बाद में वो बंद हो गया। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखकर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।